नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। देखिए दोस्तों, BBMKU के अंतर्गत PKR मेमोरियल कॉलेज सेमेस्टर 1 सेशन 2022 26 वालों के लिए इंटरनल एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया। तो यहां से बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि एग्जाम कितने पेपर का होगा, एग्जाम का टाइमिंग क्या रहने वाला है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को डिटेल में बताने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला इसी प्रकार अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम रूटीन प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का इंटरनल एग्जाम रूटीन प्रोग्राम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं PKR मेमोरियल कॉलेज धनबाद। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टाइमिंग क्या है, प्रत्येक पेपर का क्या क्या है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर BA BSc BCom वोकेशनल कोर्सेज के लिए सेमेस्टर 1 इंटरनल एग्जामिनेशन 2022 26 सेशन वाले के अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो ये रहा आप लोग का जो पहला एग्जाम है 4 तारीख को एग्जाम का जो टाइमिंग रहने वाला है, यानी कि 4 जनवरी से आप लोग का इंटरनल एग्जाम स्टार्टिंग डेट है, और 11 से 12 बजे तक यानी आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम 1 घंटे का होगा। और सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि एग्जाम कितने पेपर का होगा, तो आप लोग का सिर्फ मेजर पेपर का एग्जाम होने वाला है और किसी पेपर का नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि IRC पेपर का भी एग्जाम होगा, बल्कि ऐसा नहीं होने वाला है, सिर्फ मेजर पेपर का एग्जाम आप लोग का इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेजर पेपर 1। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स वालों के लिए जिसका मेजर पेपर है। ठीक है, तो 4 जनवरी से है इकोनॉमिक्स जिसका मेजर पेपर है, और कॉमर्स ऑनर्स वाले के लिए। ठीक है, और इसका जो रूम नंबर है विवेकानंद ब्लॉक, ऑल रूम, सभी रूम में आप लोग को बैठना है। ठीक है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, मेजर पेपर है जिसका इकोनॉमिक्स, उसका जो रूम नंबर LT1 LT7 और LT8 है, 4 जनवरी 2023 को, टाइमिंग 11 से 12 बजे तक। नेक्स्ट है 6 तारीख को, यानी कि 4 के बाद 6 तारीख को है। ठीक है, 6 तारीख को भी टाइमिंग वही रहने वाला है, 11 से 12 PM तक, यानी कि 11 AM से 12 PM, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोग को। मेजर पेपर जिसका जिसका हिंदी है, यानी कि हिंदी ऑनर्स वालों के लिए, इंग्लिश ऑनर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, फिलोसफी, उर्दू, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ये जिसका जिसका मेजर पेपर है उन सभी के लिए डेट है 6 जनवरी 2023, टाइमिंग 11 से 12 बजे तक रहने वाला है मेजर पेपर 1, जिसका जिसका हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, उर्दू, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, या कह सकते हैं मेजर पे ऑनर्स भी कह सकते हैं। तो LT रूम में निर्धारित कर दिया, LT3 में है हिंदी ऑनर्स के लिए, इंग्लिश जिसका मेजर पेपर 5 और 6 LT, पॉलिटिकल साइंस के लिए जो रूम नंबर निर्धारित किया गया LT1, 7 और 8। ठीक है, और फिलॉसफी उर्दू के लिए LT10, और साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी लैब, और यहाँ पे हिस्ट्री के लिए LT11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सभी रूम निर्धारित किया गया है, रोल नंबर के हिसाब से सभी को बैठाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 तारीख को, 7 जनवरी को है, टाइमिंग वही रहने वाला है 11 से 12 PM तक, और आप लोग समय 1 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, और इनमें से मेजर पेपर जिसका जिसका बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोलॉजी, BCA वोकेशनल कोर्स है, और BBA, EBS कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, जिसका जिसका मेजर पेपर है उन सभी के लिए जो है टाइमिंग 11 से 12 बजे तक, आप यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा, दिनांक 7 जनवरी 2023 को। ठीक है, और ये रूम निर्धारित किया गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है 7 तारीख को ही है, सेकेंड सिटिंग में है ये। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में है जो 7 तारीख, जो फर्स्ट शिफ्ट में ये इन लोग का है, और सेकेंड शिफ्ट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 जनवरी 2023 1:30 से 2 बजे तक है, यानी कि ये सेकेंड शिफ्ट में है, जिसका जिसका मेजर पेपर मैथमेटिक्स है, ठीक है, और फिजिक्स के लिए है, उन सभी के लिए टाइमिंग निर्धारित की किया गया 1:30 से 2:30 बजे तक, यानी कि आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और 7 जनवरी 2023 को है इंटरनल एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि एग्जाम कितने नंबर का होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, 10 नंबर का आप लोग का इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा साइंस सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जिसका जिसका मैथ, साइंस, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं उन सभी के लिए जो है 10 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो आप लोग से यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है, तो यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ से 5 नंबर। ठीक है, ग्रुप ए, जिनमें से
ग्रुप ए को उत्तर देना कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक को सभी को सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इजी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दो और तीन, यहाँ पे दो और तीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप बी में प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहने वाला है, इनमें से दो और तीन में से कोई एक प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार यहाँ से ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न और सब्जेक्टिव 5 प्रश्न को सॉल्व करना है, तो टोटल आप लोगों को 10 नंबर इंटरनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब बात उठता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे जो सर आप लोग को पढ़ाए होंगे कॉलेज में, उसी से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये टीचर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो जो भी पढ़ाएं आप लोग वही को वही चीज़ को बार बार पढ़ें, रिपीट करें, क्योंकि वहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट वाले, जिसका जिसका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जो जो भी है आर्ट्स सब्जेक्ट में आता है, तो उसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो आप लोग का जो टोटल इंटरनल एग्जाम 20 अंकों का होगा, यानी कि सिर्फ आप लोग जो मेजर पेपर का एग्जाम होने वाला इंटरनल एग्जाम, ठीक है। समय 1 घंटे का रहेगा। और अब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि साइंस वालों के लिए 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिस ऑनर्स से जिसका 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 जो जो भी मेजर पेपर है, उनमें से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप बी में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना कंपलसरी है सभी के लिए। ग्रुप बी में जो है ग्रुप ए कैरीज वेरी शॉर्ट आंसर टू टाइप कंपलसरी क्वेश्चन, ग्रुप ए में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपलसरी होगा। और आंसर 1 out of 2 सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन गिवेन इन ग्रुप बी, यानी कि ग्रुप बी में आप लोग से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर में शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर का रहने वाला है। और ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक प्रश्न को सॉल्व करना सब्जेक्टिव प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का रहने वाला है, जिसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 5 नंबर शॉर्ट टाइप के प्रश्न 10 नंबर, और यहाँ से लॉन्ग टाइप के प्रश्न में से 20 में से 10 ही यानी कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार यहाँ से मिला जुलाकर टोटल 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और 5 नंबर जो आप लोगों को इंटरनल एग्जाम में नहीं, अटेंडेंस के आधार पर नंबर मिलता है, तो उसके आधार पर मिलेगा। तो ये रहा आप लोग का एग्जाम रूटीन प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आप लोग सारी चीज़ों को समझ गएंगे। अब यहाँ से बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला, तो आप लोग के जो भी क्लास में कक्षा में सर पढ़ाए हुए वही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन नया नहीं रहने वाला, बहुत इजी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।